नरसिंहगढ़ नगर पालिका सीएमओ और नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि ने नगर व्यवस्था में रात्रि का भ्रमण किया, जहां नगर में जो व्यवस्थाओं में कमी दिखी उस पर कार्रवाई की बात कही और जहां प्रोजेक्ट दिखाई दिया उस पर काम करेंगे। वहीं नगर के वार्ड नंबर एक रहवासी ने वार्ड समस्या बताई, जिसमें पानी दूषित होना, पहले सामुदायिक भवन थावरिया बिजली की लाइन ठीक नहीं मिलती थी और अब खराब पानी आ रहा है। वहीं नगर के ऐतिहासिक नरसिंह मंदिर के आसपास सुंदरता एवं मंदिर के बाहरी क्षेत्र कचरा फेंका जाना, शहर सभी जगह पर अवैध तरीके से कचरा फेंककर शहर की सुंदरता खत्म की जा रही है, उन पर ध्यान देंगे। सीएमओ अभिषेक जैन ने कहा कि शहर के अन्य वार्ड नंबर 12 और 1 में भ्रमण किया, शहर की कुछ बातें जानी, शहर नगर विकास जहां काफी देखा उन्हें हमने चिन्हित किया कि हम उस पर कार्रवाई करेंगे, साथ ही साथ जहां हमने प्रोजेक्ट देखे वहां सुधार करेंगे। उन्होंने कहा नगर सबसे बड़ी व्यवस्था जिन्हें जल्द पूरी करना है वह समस्या वार्ड नंबर 12 पत्थर पीटे दिखाई दे रही है, जिससे हमें पूरा करना है। इस मौके पर नगर पालिका सीएमओ अभिषेक जैन, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि लोकेंद्र वर्मा, नगर पालिका उपाध्यक्ष मनोज महावर, नगर पालिका नेता प्रतिपक्ष कमल चौरसिया, पार्षद राकेश रोसिया, इंजीनियर सुनील सहित समस्त कर्मचारी उपस्थित रहे। हमारे जो नवागत सीएमओ साहब हैं उन्होंने पूरे नगर में भ्रमण किया और आवश्यकता जहाँ पर पड़ेगी उनके काम के लेके रूपरेखा बनाई गई है। हमारे शमशान घर में भी जो पेवर्स ब्लॉक हैं या एक उसके लिए जो जगह जहाँ पे लोग इंतज़ार करते हैं तो उसके लिए छाँव के लिए प्रबंध के लिए भी हमने कमरे का अलॉटमेंट का सर ने बोला, और जहाँ जहाँ जिस वार्ड में जो जो कमी होगी उसको पूरा करने का पूरा प्रयास नगर परिषद करेगी। सीएमओ साहब ने पूरे हमारे इंजीनियर सुनील जी उनने भी साथ में रहकर रूपरेखा बनाई। नगर में मैंने भ्रमण किया, आज कुछ वार्डों में मैंने आज जगह देखी, कुछ हमने प्रोजेक्ट भी तय किए, पत्थर बीटा वगैरह मार्केट का। नगर विकास में जो जो कमियां लगी हैं उसको हमने चिन्हित करके सब नोटिस किया है, उन सारे कामों को, और उसके हिसाब से हम आगे कार्रवाई करेंगे। मुझे सबसे पहले एक नगर में जो मार्केट के लिए जगह दिखी है पत्थर पीटा के पास में, वहाँ लगभग 100 दुकान से ऊपर का स्कोप दिखा है मुझे, वहाँ वो करना है। कुछ ये अपना जो जल मंदिर है यहाँ पे भी कुछ हमने चीज़ें चिन्हित की हैं, उस हिसाब से हम आगे काम